बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। आजकल ऐसा है कि हम लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पाकिस्तान क्रिकेट की तलखियों वाले और बेसबातियों वाले प्लेयर्स को इंटरव्यू कर रहे थे, और ये ऑब्वियसली मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कंटेंट कोऑर्डिनेटर राशिद लतीफ साहब के दिमाग का वो ये होता है, दिमाग में आ जाता है, मैं फतूर नहीं कहूंगा, नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज जो हम दो बंदे लेके आए ना जी, ओहो आप लोग बड़ा इंजॉय करेंगे। एक तो ये है कि दे प्लेड क्रिकेट बिकॉज दे लव्ड द गेम, और इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था कि इन्होंने पाकिस्तान के, ये क्रिकेट के थे दोनों भाई धत्ती और ठरकी। और उसके बाद इनमें से जो बड़े हैं, जो कि 7 साल बड़े हैं, उन्होंने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के लिए, लाहौर के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए, पिंडी के लिए और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, वालिद साहब इनके कर्नल थे, और ये मुझे कुछ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लालाजार की कहीं तरफ रहते होते थे, और ये बंडाना पहन के और हेडबैंड पहन के बैटिंग करते थे, स्टाइल बड़ा था इनका। और इन्होंने 74 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 3604 रन बनाए, 120 हाईएस्ट, 3 सेंचुरियां, 18 50, और 51 लिस्ट ए मैचेस भी अपने करियर में खेले, और उसमें भी 3 50 किए। सो ये 1978-79 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, और 1992-93 तक खेले, और फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की नजर हो गए। जो दूसरे साहब हैं जी, जो मेरे से 2 साल सीनियर थे और कद में बहुत सारा सीनियर है, बहुत लंबे हैं, रिमार्केबल इंडिविजुअल लाइक जो बड़े भाई, अभी दोनों का मैंने नाम नहीं लिया। और ये जो है, ये मेडिकल फील्ड से थे, इन्होंने मेडिसिन की और उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में की, टॉप क्लास सर्जन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। इन्होंने बहुत सारा एक गोल्ड मेडल निकाला था जिसमें बहुत सारे स्टोन्स थे, वो भी आज पूछ लेंगे। और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड जिन्होंने एक्सेलेंस इन मेडिसिन और क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेली। इन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज को श्रीलंका बी के अगेंस्ट, जो राशिद लतीफ मैच खेले थे कराची। और इनके पास एक वसीम राजा महरूम की भी स्टोरी है, वो भी मैंने सुननी है। और बड़े भाई का नाम भी सलीम ताज, एन आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बींग। ये ना पीसीबी में आने के काबिल है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, उसकी वजह मैं बताता हूँ, और ना ये क्रिकेट में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े सच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट आदमी है। और जहां तक नईम ताज का ताल्लुक है जी, ऑब्वियसली इनकी तो दुनिया इनको मेडिसिन खींच के ले गई, और इनका माशाल्लाह अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब तो क्लिनिक भी नहीं है, और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी सीडीए में ये होते हैं, मेरे अक्सर ये काम कर देते हैं। तो सलीम भाई और नईम, मोस्ट वेलकम, कैसे हैं आप? आपने हमें याद, अच्छा राशिद 23 मैच खेला है नईम ताज, और 84 हाईएस्ट है, 100 कोई नहीं है फर्स्ट क्लास में, लेकिन 7 आउट किए हुए ऑफ ब्रेक से जो वक्खियों पे लगती थी, और लिस्ट ए में भी 75 हाईएस्ट है, अभी तक खेलता, बेटा भी अच्छा खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, और नईम भाई को सलाम पेश करता हूँ। वैसे तो डॉक्टर साहब तो है हमारे डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम, वैसे डॉक्टर साहब तो मेरे डॉक्टर है, लेकिन जो मैं इलाज करना होता है ना, तो मैं नईम भाई के पास जाता हूँ। क्यों नईम भाई? नईम ताज आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए यार, ये मुझे उस दिन से दमे दे रहे हैं, एक स्किन का लेजर लेके बैठे हुए, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो आज तो जरा नईम ताज, आज आप मेरा इंट्रोडक्शन कराएं जरा राशिद लतीफ, फिर प्रोग्राम आगे। क्या हालचाल है? आप लोग लोगों से भी मैंने सवाल पूछने हैं काफी सारे, इनको बताएं कि आपकी मेरी पार्टनरशिप कैसी होती थी, बताएं इनको। हमारा बड़ा अच्छा दौर गुजरा है, और बड़ा हमारा मेडिकल कॉलेजेस में मैचेस होते थे, डॉक्टर नुमान वहाँ होली फैमिली के कैप्टन होते थे, मैं आदि के कैप्टन होता था, और बड़ा शुगर लगता था क्रिकेट के बारे में, और बड़े हंसी मजाक हमारे चलते रहते थे इनके साथ मैच। इनका ये है कि नुमान का एक तो पोजीशन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं देखा, और इतने मुश्किल केस डायग्नोज करके मुझे भेजता है, जिसके आदमी मतलब मेक श्योर करता है कि मेरे एड्रेनलिन ज्यादा सीक्रेट होते रहे। दूसरा ये है कि जो क्रिकेट के बारे में इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा, मतलब हम इसको वैसे छेड़ते रहते थे। एक दफा इसने, मजे की बात था, हमारा मैच था होली फैमिली का, और इनका मैच था,
तो इनका हमारा फाइनल था, ये वहां से कैप्टन था, मैं यहाँ से था। खैर तो मैंने कहा था, कहते ये कितने रन कर लेंगे, मैंने कहा ये पॉली फैमिली वाले 150 कर लेंगे। खैर इन्होंने 180 कर लिया, कहते जी नहीं बड़े परेशान है कि हमने 180 कर लिया तो बड़े परेशान। मैं कहा मैं परेशान हूँ, पहले 1 बजे तक बैटिंग करनी थी, अब 1:30 बजे तक करनी पड़े। तो फिर इसने मुझे काबू कर लिया, फिर मुझे कहता है यार आप इस तरह करो, मुझे बताओ साइमर नर्स के बारे में। अब इसकी गाली तो बहुत ज्यादा थी, मेरी बुला जाने साइमर नर्स को आने का था कि इंडस्ट्री से खेला, ब्रेक टाउन से खेला, 29 मैच खेले, 2500 रन किए। मैंने कहा यार, मैंने कहा नुमान की नर्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। काफी लोग हंसने शुरू हो गए, मैं कहा नर्सों के बारे में पूछना तो नुमान, मतलब इनके साथ हंसी मजाक चलता रहता था। मैं डेफिनेटली इज द बेस्ट पोजीशन एंड बेस्ट ह्यूमन बीइंग, और नेशनल चैनल पे बैठ के और नेशनल पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे, ये नुमान ही कर सकता। आपने सवाल पूछे आज कुछ। अच्छा सलीम भाई कैसे क्रिकेट का ठरक कहाँ से आया, कौन से क्लब से खेले पहले? डॉक्टर साहब क्रिकेट मैंने शुरू की कराची में, कराची में मैं पढ़ता था कैंट पब्लिक स्कूल में, तो वहां पे कुछ अच्छा एनवायरनमेंट था हमारे टीचर्स से जिन्होंने मुझे क्रिकेट शुरू करवाई। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे मैंने कराची से शुरू की, कैंट पब्लिक से, वहां पे मैं पढ़ता था। हम लोग मॉडल कॉलोनी में रहते थे, वहां पे गोल ग्राउंड है, राशिद भाई को पता है। ये कितने कितने कराची के सुपरस्टार हैं, शहीद अनवर, सलीम ताज, नईम ताज, शहीद अजहर, बहुत है यार, क्या बात कर दी आपने मॉडल कॉलोनी गोल ग्राउंड की। क्लब क्रिकेट गोल ग्राउंड से शुरू की और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और बहुत अच्छे उस वक्त प्लेयर्स थे जिनको देख के शौक पैदा हुआ। तो इस तरह फिर यहाँ से क्लब क्रिकेट हुआ। उसके बाद एक्चुअली आप मुझे पाकिस्तान के कह सकते हैं कि शुरू कराची में की, बाद में डेवलप लाहौर में हुआ, फिर फिनिश पिंडी में आके कभी इस्लामाबाद, तो पूरा सिनेरियो देखा। अच्छा सलीम भाई, आप जब पिंडी से खेले तो पिंडी बड़ा नेगलेक्टेड एक एसोसिएशन होती थी, और हालांकि आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स थे, रियाज भाई थे, मोहम्मद रियाज, कालिया, फिर आपके आप शायद उस जमाने में ये रिजवान खतीब भी थे, राजा सरफराज, राजा आफाक एंड इम्तनान जमीर, मसूद अनवर, बुलंद इकबाल, मसूद अनवर, सभी अजहर, जमाल सदीकी, अहमद जमाल सदीकी, तो आपका क्या ख्याल है कि हम लोग रमान भाई के क्रिकेट ना पिंडी में सिर्फ होती थी, पिंडी क्लब में होती थी और मेनली टर्निंग विकेट्स थे। तो उस वक्त एक सिनेरियो कुछ और था, लेकिन जब से पिंडी स्टेडियम बना उसमें इश्तियाक शाह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था स्टेडियम बनने में, और फिर हमारी क्रिकेट वहां शिफ्ट हुई। उसके बाद नईम अख्तर, शोएब अख्तर और ये हाजी अकरम, मोहम्मद वसीम, फिर अच्छे अच्छे प्लेयर एकदम आए, क्योंकि हमें अच्छी कंडीशन मिली पिंडी में, और मेरे ख्याल उस डेवलपमेंट में पिंडी स्टेडियम का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, और सुना आपका, आपकी हॉरिजॉन्टल बैट शॉट बड़ी अच्छी होती थी, कट और पुल और हुक, और हेलमेट भी कोई इतनी पसंद नहीं थी आपको, अजमत जलील मुझे काफी किस्से सुनाता आपके। उस वक्त ना हेलमेट का था ही नहीं, और आप बिलीव करेंगे मैंने शुरू किया 2 सीजन में थाई पैड भी नहीं पहना था, और मैं कहते थे अगर किसी मेरे थाई पे बॉल मार लेनी है तो फिर मुझे बैटिंग करने का फायदा नहीं है ना, अगर किसी के पास मेरे तो फिर मैंने क्या बैटिंग करनी है। तो ये अतीक रहमान वगैरह थे, तो मैंने कभी इनके खिलाफ थाई पैड वगैरह या हेलमेट वगैरह नहीं यूज किया। ओके, अच्छा अपना नहीं, आपने तो ऑब्वियसली ये सलीम भाई क्रिकेट खेल रहे थे, तो आपने इनको देखा, देखी क्रिकेट में ठरक आया आपको, बिकॉज आप तो मेडिकल स्कूल में चले गए, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप कादियाजम मेडिकल कॉलेज को भावलपुर के, जी बिल्कुल, वो एक और हमारे सर्जन साहब भी फास्ट बॉलर होते थे, वो खालिद, खालिद शहजाद भी सुना, कमर पकड़ के बैठे रहते थे। तो आपको कैसे शौक आया? एक्चुअली ये सलीम पहले ये खेलते थे लॉ एचसीसीए से, ये माजिद खान, इमरान खान और सरफराज नवाज के साथ ही खेलते थे, और शुरू से मैं इसको बड़ा फॉलो करता था, इसके सारे मैच देखता था, सलीम के, ये सलीम मलिक वगैरह, इनको मैं शुरू से फॉलो करता था, और इसके मैं रेगुलर इसको मैं देख रहा था, खेल रहा था इसको देखते थे। फिर इसने अंडर 19 खेली सलीम ने, इसने अंडर 19 में बड़ी इसने हाईएस्ट इसकी एवरेज थी, 108 रन की इसकी एवरेज थी। तो इंडिया अंडर 19 टीम जानी थी, तो खैर हम लोग सारे बड़े थे, सारे कॉन्फिडेंट थे कि जा रहे 108 की एवरेज एक इधर रुक सकता है। तो एनीवेज वो जो टीम हुई अंडर 19 की अनाउंस हुई, तो उसमें
हम सब ने इसको फरमाइश की थी कि इंडिया से वो ना फलानी चीज लेकर आना, ये लेकर आना, वो पता चला कि आखिरी वक्त में 16 की एवरेज वाला चला गया और 108 वाला रह गया। मैंने क्रिकेट शुरू की, मैंने अंडर 19 में पहले 3 मैचों में 29 आउट कर दिए थे और 36 आउट का रिकॉर्ड था मसूद अनवर का था पाकिस्तान के लिए। चौथे मैच में हमारे बारिश हो गई थी LDCA के खिलाफ और उसमें मैंने इंतजाम को ईच इनिंग आउट किया, जोर लाइक आउट किया इन सबको। उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ विल्स कप के लिए। विल्स कप में मैं गया, रमीज राजा ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं ट्रायल्स पे गया तो ट्रायल्स पे रमीज को गेंद चेंज, बड़े खुशकिस्मत है रमीज भाई ने अप्रिशिएट किया, बहुत खुशकिस्मत है आप। अच्छा चलिए, नहीं नहीं रमीज भाई ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने इमीडिएटली मुझे फिर विल्स कप की टीम में रखा। फिर वहां जाके मैं उसमें भी मैन ऑफ द मैच हो गया विल्स कप में भी। और फिर उसके बाद मैं पैट्रिक ट्रॉफी का ट्रॉफी में वसीम राजा के साथ खेला तो वो मैन ऑफ द मैच होने के बाद फिर पहले ही इनिंग में मैंने सेकंड इनिंग में मैंने सात एक इनिंग में 7 आउट कर दिए 10 for 42 और उसमें मैंने कि 2-3 मैच में तो मैंने 18 या 20 आउट कर दिए तो मेरा नाम आ गया था नेशनल कैंप में। उस वक्त उन दिनों में ऑफ स्पिन को चाहिए था और साइड में था जब तौसीफ पर आए थे वो, तो वहां से मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया था। तो मेरे बैक ऑफ माइंड में वो सलीम वाली बात याद थी कि यार उसके साथ क्या हुआ था। तो फादर ने मेरे कहा था सोच लो आइदर तुमने क्रिकेट खेलनी है या मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो मैंने कहा नहीं मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी। तो मेरा ख्याल है कि वो वाला जो मुझे उसके एक्सप्रेशन थे ना स्लीम के वो मुझे अभी भी याद है। जब ये बाहर निकला था 108 की एवरेज के बाद जब ड्रॉप हुआ था जिस तरह घर गया था तो वो अभी भी मुझे याद है। मैंने कहा नहीं यार 16 के एवरेज वाला कौन था, उसमें तो शोएब मोहम्मद गए थे, इरफान जमान गए थे, शौकत इसने ये बताया नहीं उसमें भाई रहने दे सवाल नहीं सवाल मैं पूछ लेता हूँ नहीं भाई अरे नहीं भाई भी डॉक्टर साहब बने हुए नहीं भाई ये बताया उसमें कौन से ब्लड रिलेटेड जो प्लेयर होते हैं चचा भांजे मामू उस जमाने में था क्या ये सिस्टम भी। उसमें जो 14 प्लेयर गए थे ना बाहर इनके जो गए थे तो उनमें 14 में से 11 ऐसे थे जिनके बच्चे गए थे जिनके सीनियर उसमें ये डॉक्टर ये होता है सवाल तो वो उनके सारे अगर आप उसकी टीम निकाल लें उसकी टीम निकाले इसलिए तो शरीफ आदमी है ना ये तो नहीं बताएगा ये तो शैतान को भी कहेगा अच्छा आदमी जो काम लगाया अल्लाह ने वो कर रहा है। बोले तो वो जो 14 में से 11 बंदे थे ना तो वो उसमें से वो गए थे। मतलब लाइफ में टर्निंग पॉइंट इंसान को मौके कम मिलते हैं आपको पता होगा पहले वक्त में अंडर 19 से सारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर थे आते थे तो उसी में परफॉर्म करते थे। अब आप मुझे बताएं एक बंदा 108 की एवरेज करके और फिर वो ना जाए तो मैंने सोचा कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए। फादर ने मेरे कहा तुम सोच लो, मेरे फादर को मतलब सेकंड थे सीईओ थे पाकिस्तान उसमें जब सिग्नल्स के उनके नाम पे टीएम ब्लॉक की है सिग्नल्स स्कूल ऑफ सिग्नल्स में तो उन्होंने कहा कि तुम सोच लो। वैसे इंसान की जो है डॉक्टर वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाता है और प्लेयर वक्त के साथ साथ आपकी डिटोरिएशन आती है साथ जितना आपको उम्र गुजरेगी आप उतना बेहतर हो। यार बात सुन नहीं बात बताना पड़ेगा मेरी स्टैंडिंग मेडिकल बतानी पड़ेगी राशिद लतीफ को आपको। फादर ने कहा कि इंसान का मॉडल चेंज नहीं होता तो तुम इनसे वो चले जाओ बाकी चीजों में चेंजेस आती रहती है एक दफा कर लोगी। तो खैर मैं वहां से फिर भावलपुर चला गया। भावलपुर जाके मैं वापस घर वाले आए कहते कैसी पढ़ाई रही। मैंने कहा जी पहले मैच में 50 किया 5 आउट किए कहते वहां भी क्रिकेट शुरू कर दी। तो उधर पे जाके मैंने पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 में 3 मैच खेले इसमें 200 कर दिए थे मैंने जाके 122 कर दिया था मैंने LDCA एक और फिर क्वेटा क्लास आउट कर दिया था ग्रेड। अच्छा अपना नेम सलीम भाई की तरफ मैंने चलना है लेकिन मुझे वो बताएं कि वसीम राजा जो हैं वो सुना कजाजन ट्रॉफी के मैच में कहीं खाने पीने चले गए थे मूड नहीं हो रहा था बैटिंग का वो क्या था सीन। नहीं वसीम भाई बहुत जबरदस्त है
मैंने रमीज़ भाई के साथ भी खेला है, वसीम है, दोनों मतलब दोनों मेरे कैप्टन थे, दोनों ही ऑड कपल थे, मतलब ऑपोजिट थे एक दूसरे से जिस तरह वो जो उनके थे। वसीम भाई बड़े जबरदस्त थे, मैंने जब 7 आउट किए थे तो एक बहुत एक बड़े पुराने फर्स्ट क्लास सेलेक्टर थे, तो वो आके मुझे बताने शुरू हो गए कि हाथ यहाँ से लाओ, यूं गेंद करो, ये करो। तो वसीम राइटर ने मुझे कहा कि आपने मुझे कहते तरह बात सुनो, मैं कहा कहते क्रिकेट खेलनी है, मैंने कहा कहते चुप करके बैठ जाओ यहाँ, किसी की बात ना सुनो, अगर तुमने 7 आउट किया उसका मतलब तुम सही बॉल कर रहे हो तो तुमने 7 आउट किया ना, कहते सीखोगे ना ये यही बेड़ा गर्क करते हैं, यहाँ से खराब होता है। जब एक बंदा 7 आउट के करके आ रहा है और तुम उसकी कोचिंग करनी शुरू हो जाओ। तो वसीम राजा तो खैर बड़े रिलैक्स आदमी थे, और एक दफा एज लगी पहली गेंद पे कैच छोड़ दिया, तो वो उन्होंने शाम ने कहा कि राजा कैच नहीं पकड़ा था, कहने कभी मैच थी पहली गेंद पे भी कैच आया। बड़ा रिलैक्स। और फिर जब हमारा कराची से मैच हुआ था तो हमने कहा था वसीम राजा को कि यार आज कप्तान जी जलंधर वाली इनिंग खेल दो, तो वो फिर कहते लाओ वैसे बैटिंग नहीं कर रहे थे पूरे में, लेफ्ट करके चले जाते थे, कहते चलो लिबर्टी स्पोर्ट्स से खाते। तो वो गए खेलने कराची के खिलाफ, पूरी उनकी नेशनल साइड टीम, तो 2 घंटे अंदर 122 कर दिया था और 500 रन हमने कराची को कर दिए थे। और रिजवान अगले दिन कह रहे थे इतना स्कोर ना कभी देखा ना सुना, तो ये अपने आप करना है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट था वसीम राजा। अच्छा सलीम भाई, सलीम भाई ये नईम तो बोलता रहेगा, अब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो अंडर 19 का टूर आपने मिस किया, रिजवानुज़्ज़मान, शुएब मोहम्मद, रमीज राजा, तलत मिर्जा, सलीम मलिक, सजाद अकबर, वकार मलिक, असद महमूद, सुल्तान महमूद के साहबजादे, अनिल दलपत, जवेद कुरैशी, उमर कुरैशी के साहबजादे कप्तान थे, राशिद खान, अली अहमद, दारा बशीर, मोहसिन कमाल, ये टीम गई थी, आप क्यों मिस हो गए थे? आप इतने शरीफ आदमी है, आपने कहा कोई बात नहीं। सलीम भाई से डिफरेंट सवाल करें, टीम में बंदा एक नहीं आ रहा, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने जो बेहतर थे वो ले गए। अच्छा सलीम भाई उन्होंने बाद में परफॉर्म भी किया, तो उन्होंने फिर अपने आप को जस्टिफाई किया ना, शुएब ने बाद में बहुत रन कर लिए, बहुत परफॉर्म कर लिया, तो उसने जस्टिफाई किया फिर अपने सिलेक्शन को, कुछ लोगों ने जस्टिफाई नहीं भी किया। ये तो होता है ना, अब एक टीम आप लेके जाते हैं उसमें कुछ लोग परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कैसे चलता है। अच्छा सलीम भाई, अब आप मुझे बताएं, आपने अपने टाइम की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में बताएं, कितनी कंपेटिटिव थी और क्या माइंडसेट था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तब लोग सोचते थे कि हमने पाकिस्तान खेलना है और टेस्ट कैप लेनी है, आजकल सोचते हैं हमने पीएसएल खेलना है और कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो ये क्या था जरा ये बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑब्वियसली उस वक्त चांसेस लिमिटेड थे, मैचेस भी कम मिलते थे, और बस उसमें ये था कि आप एक मैच में आप अच्छा क्लिक कर रहे हैं तो फिर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो मतलब चांसेस लिमिटेड होते थे हर एक के लिए, तो और क्रिकेट डिफरेंट थी जो आजकल है, एंटायरली डिफरेंट। सलीम भाई अपने सलीम भाई अपने हाउस बिल्डिंग में आप बहुत खेले, और कौन कौन से प्लेयर थे जिनके साथ आप खेले? आप वहाँ पे शायद मुनीर उलग भी थे, तारिक आलम भी थे, और मोहिंदर कुमार थे जो कराची की ताल्लुक रखते हैं, अली अहमद भी शायद आपके पास ही थे, तो कौन कौन से प्लेयर आपको अच्छे लगे जो आगे जा सकते थे? मेरे हक साहब बहुत अच्छे प्लेयर थे, कोई उसमें शक वाली बात नहीं, और सादत भाई अच्छे प्लेयर थे, और काजिम मेहदी बड़े अच्छे बॉलर थे, क्रिकेटर्स अच्छे थे, तो लेकिन यह था कि वैसे मैं समझ तारिक आलम भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर थे, उनको बिल्कुल उस तरह नहीं मिला क्रेडिट जैसे उनको मिलना चाहिए। उनके तो बेटे का भी वही हाल किया ना आपने तारिक आलम के, यार ये मुझे समझ नहीं आई, उस बेचारे ने रन्स के तो ढेर लगा दी। जी आपने तारिक आलम के बेटे का भी हाल किया। अच्छा मुनीरुल हक भी आपकी तरफ से खेलते थे? जी मुनीरुल हक भी हमारे साथ खेलते थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, सगीर अब्बास थे, तो काफी अच्छी टीम थी हमारे पास भी। तो आपके ये लड़के आगे पाकिस्तान क्यों नहीं खेल पाए, कि एचबीएफसी को जरा सेकंड टियर डिपार्टमेंट समझा जाता था, क्या वजह थी? कोई कॉम्प्लेक्स था कि अभी बैंक नेशनल बैंक यूबीएल के प्लेयर या पीआईए के खेलेंगे? हाँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोग इनसे एक स्टेप पीछे थे, इनसे अभी बैंक पीआईए और नेशनल। सलीम भाई आपको उसका क्या हुआ था जब अलाइड बैंक और एचबीएफसी का मैच हुआ था, उसके बाद दोनों टीमों में पाबंदी लग गई थी, वो तो बता दें थोड़ा, किसी को भी नहीं पता होगा वो। अलाइड बैंक के साथ हमारे बहुत सारे मैच हुए हैं ना, अभी ना शुएब अदीब भी देख रहे होंगे, तो अभी कई बातें हैं, वो ठीक है यार, वो कुछ ऐसा चलता था उस जमाने में,
गलती किसकी थी? लाइट बैंक की गलती थी या एचबीएफसी की थी? देखिए गलती तो नहीं, आप यही कह सकते हैं कि उस दौर में ये काम आम हो रहा था, ठीक है, इतना आधे आधे पॉइंट आप पकड़ो, आधे हम पकड़े, फर्स्ट इनिंग आप पकड़ो, ये वाली इनिंग हम पकड़े, ये तो ये इतना चल रहा था। हम लोग जरा थोड़े ज्यादा नामी ग्रामी हो गए थे, लेकिन काम ये सभी कर रहे थे। ये जो बड़े बड़े कर रहे थे। अच्छा अपना सलीम भाई, कौन से ऐसे प्लेयर्स थे आप समझते हैं कि दे शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान लेकिन वो नहीं खेले जो आपकी जनरेशन के थे? आप साबिर भाई के साथ तो नहीं खेले, वो तो पहले छोड़ गए थे, या आप खेले साबिर भाई के साथ खेले? तो फिर आप क्या समझते हैं मोहम्मद साबिर, ये अपना मोहम्मद रियाज, ये किस कैलिबर के प्लेयर्स? जो प्रोफेसर साबिर थे वो बहुत आउट क्लास थे, लेकिन ऑब्वियसली इंतखाब आलम खेल रहे थे, इस वजह से वो नहीं खेले। इसके अलावा रेलवे से सलीम परवेज थे, वो बड़े आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। इसके अलावा मैं समझ दूं तस्लीम आरिफ बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे। तो ये मतलब ये ऐसे प्लेयर थे कि मतलब इनको बहुत खेलना चाहिए था। रकीब सर अच्छे बहुत 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 आला बॉलर थे, वो भी नहीं खेले। तो मेरा ख्याल इन लोगों को खेल लेना चाहिए था काफी सर। अब तो देखे ना लोग किस तरह खेल रहे हैं, लेकिन ठीक है अब इनका दौर है, हमारे दौर में थोड़ा कम था। जी राशिद भाई, तेरा नईम ताज से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें आपने विकेट कीपिंग नहीं की थी श्रीलंका बी के खिलाफ, हैदर निसार विकेट कीपर था, उसमें चार कीपर थे यार, तीन चार कीपर थे उसमें। देखिए लेकिन आप राशिद भाई और मैं मेन बैट्समैन थे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के, और हम लोगों ने हाईएस्ट रन किए थे उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान स्टील्स के खिलाफ और जितने मैच थे लाइट बैंक वगैरह में। और हमारा यूनिवर्सिटी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना हाई था कि ज्यादा पूरे फर्स्ट क्लास प्लेयर होते थे जो इंटर यूनिवर्सिटी में हम मैचेस खेल रहे होते थे, और हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई था कि हमने कोई भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा था, इवन हम श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं हारे थे। और राशिद और मैं बैटिंग करते थे और बहुत मजा आता था, मतलब हमने एक दूसरे को रिलैक्स होकर खेलते थे और कभी परवाह नहीं होती थी, मारना है मार दे, जिधर कर दे, मगर ये था कि डरते नहीं थे किसी टीम से, जितना मर्जी प्लेयर हो जितना मर्जी बॉलर हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था और यूनिवर्सिटी के प्लेयर हम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलते थे, ऑलमोस्ट उसका स्टैंडर्ड एक ऐसा था। और उस आप देख लें कि एनईडी की यूनिवर्सिटी में आसिम मुश्तबा और सईद अनवर और राशिद भाई और हारिस खान, नदीम खान, इतनी बड़ी टीम होती थी, तो मैच जाते थे हमारे। हाँ बिल्कुल, तो यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड और क्रिकेट की डिटोरेशन, यूनिवर्सिटी खेलना मुश्किल है, पाकिस्तान खेलना आसान है, क्योंकि आप एफएससी करेंगे तो यूनिवर्सिटी खेलेंगे। पाकिस्तान भी खेल जाएंगे नहीं भाई, छा गए मगर आप पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेलना ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। जनाब राशिद भाई अब आप पूछे। यार मेरा दिमाग से ना डॉग वही अटक गया है 1984 में अलाइड बैंक वर्सेस एचबीएफसी। आजकल आजकल वो चल रहा है टीवी पे, वही चल रहा है ना, तो वो आजकल वही चल रहा है। और वो देखे ना अपना सब ना मड स्लिंगिंग कर रहे हैं, और अगर हम भी मड स्लिंगिंग करें तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। ये भी सही कह रहे हैं, एक दूसरे पे अब कीचड़ उछालना नहीं चाहिए मेरा ख्याल। तो उसमें शोएब अभी तो नहीं होंगे उसमें? शोएब नहीं थे, शोएब उसमें नहीं थे, शोएब नहीं थे, लेकिन और भी कुछ लोग थे। तो यार उस वक्त राशिद भी थोड़ा पता चलता था यार। जी राशिद आप पूछे फिर, मैं तो जरा नईम को खोलता हूँ ना। नहीं मैं पूछता हूँ ये जो आप लोग जो पिचेस बनाते थे या बहावलपुर में जब हम मैच खेलने जाते थे, इतना गस गस ब्रेक हो रही होती थी, वो क्या उसका था? आप बॉलिंग कर रहे हैं, जाहिद बुद्धन कर रहा है, मुर्तजा कर रहा है, और अल्ताफ भाई भी थे जाए ना, वो भी थे, चार चार स्पिनर खेल रहे हैं, इमरान आदिल एक बॉलर या शहजाद बिल्लू खेल रहा है, तो ये क्या था? और टीमें होती थी लिटा देते थे सब को। ये चीज मैंने ही जाके वहां शुरू की थी, मैंने जब वहां जाके देखा ना, जब मैं वहां भावलपुर से खेला तो मैंने देखा कि वो करते 150 रन ही थे। मैंने कहा तुमने करना तो 100 150 ही है, जैसा मर्जी विकेट हो, तो तुम
बिल्कुल रड़ा विकेट बनाओ, ये जो बाहर से आते हैं ना जितने भी, ये इतना ज्यादातर सीमेंट पे खेल रहे होते हैं और ये स्पिन विकेट पे टर्निंग विकेट पे इतना अच्छा नहीं होते और ये स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलते। और हमारे पास मेन स्ट्रेंथ हमारी स्पिनर थी, मैं था, जाहिद था, अल्ताफ था, मुर्तजा, हम चार स्पिनर थे, तो हार्डली 100-150 और हमने तो करते ही 150 होता था भरतपुर वालों ने, तो हम लोग उसी के 150 के अंदर बैच फंसा लेते थे और वो ले जाते, तो स्पिन हमारी स्ट्रेंथ थी। जब हम वहाँ खेलते थे तो हमने मैक्सिमम हम मैचेस वहाँ जीत जाते थे और हम भावलपुर को फर्स्ट टाइम 32 ईयर्स में हम लोग फाइनल में ले गए थे कायन ट्रॉफी। हम सारे मैच जीत के हम लोग फाइनल खेल रहे थे, हमने कायन ट्रॉफी 32 ईयर्स के बाद जब हनीफ अहमद वगैरह यहाँ से खेले तो उसको आया था भावलपुर और उसके बाद फिर हम लोग इसको लेकर गए थे फाइनल में। और जो यूनिवर्सिटी क्रिकेट थी हमने 18 साल बाद फर्स्ट टाइम कराची यूनिवर्सिटी हारी थी हमसे, कभी भी वो नहीं हारे थे, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड काफी बेहतर हुआ था। जी राशिद भाई जी सर, हाँ जी, अब मैं कोरोना वायरस पे शुरू कर दूंगा। नहीं, इनकी डॉक्टरी पे आ जाएं, देख डॉक्टर बात। जी जी, एक वाक्य मैं आपको बड़ा अच्छा बताता हूँ। जब मैं था ना हाउस जॉब कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर साहब थे वो बड़े सख्त थे, वो छुट्टी नहीं देते थे, तो इन्होंने मुझे पिंडी वालों ने बुलाया कि यार भाई जैसे मैच है, ग्रेड टू का मैच था तो उसने खेलना था, तो वो कहते हैं खेल लो। मैं क्या प्रोफेसर, मैंने उसको कह दिया कि इस लीन की शादी है तो पहले छुट्टी दे दे मुझे 3 दिन के लिए, तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने छुट्टी दे दी मुझे। तो हुआ ये कि अल्लाह की तरफ से मैंने जाके 100 कर दिया मैच में, तो अगले दिन अखबार में मेरी तस्वीर लगी हुई थी, वो तस्वीर अखबार प्रोफेसर के बेस पे पड़ी हुई थी शामी साहब के, तो अगले दिन बुला लिया कि ये शादी हो रही है। फिर बाद में उन्होंने अप्रिशिएट किया कि तुम खेल रहे थे वैसे ही बता देते यार तुम चले जाते। इसी तरह फिर अच्छा, मेडिकल प्रोफेशन में। नहीं भाई, सलीम भाई की गेम जरा एक्सप्लेन करें मुझे, बैटिंग एक्सप्लेन करें, कि मुझे याद है अजमत जलील, इम्तनान जमीर, ये सारे बड़े फैन होते थे सलीम ताज। देखिए सलीम जो है ना, सलीम को मैंने बहुत मतलब क्लोजली फॉलो किया, नहीं कि मेरा भाई है, उसको बड़ा क्लोजली मैंने फॉलो किया। इससे अच्छा मैंने पेस बॉल को और सीमिंग विकेट पे मैंने कोई बैट्समैन आज तक देखा नहीं है खेलते, जो ये सीमिंग विकेट पे आप मैच उठा लें, कराची का मैच, पिंडी वाले से पूछ लें, जो ग्रीन विकेट होती थी टीम का स्कोर 150 होता था, 112 इसका होता था, जहाँ सीमिंग विकेट हमारा भावलपुर का होता था हम सारे आउट हो जाते थे, ये जाके 100 कर देता था, तो ये एक्स्ट्रा, ये तो बहुत लेट खेलता था गेंद, और इस तरह जिस तरह सीमेंट वाले दूर दूर से ड्राइवे मारना, पुश नहीं करता था, और पेस को नया बॉल को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता था। ये अतीक, मैं बता रहा हूँ, साउथ खान, इन सबको मतलब बहुत ज्यादा ये उसको, और हुक शॉट इसकी बहुत अच्छी थी, बताओ अरमान खिलाफ साहब ने देखा होगा पिंडी में, इसने 94 किया था, तो बड़े जबरदस्त इसने हुक पेस को मतलब हुक शॉट इसके बहुत अच्छे थे, पेस खेलनी इस पर खत्म थी। और उस वक्त ये था कि ज्यादातर जो क्रिकेट थी ना वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्पिनर्स की क्रिकेट होती थी, 5 ओवर बाद 6 ओवर बाद स्पिनर लग जाते थे, और जब वही प्लेयर स्पिनर्स पे रन करके जब ऊपर जाते थे खेलते थे, आगे से पेसर मिलते थे, वो सारे आउट हो जाते थे, मतलब जो स्पिनर्स के चैंपियन थे ऊपर जाके फेल हो जाते थे, तो अनलकी थे कि इनको चांस नहीं मिलता या किसी ने इनको वो जो उसको स्ट्राइक था उसका फायदा नहीं उठाया। बहुत ज्यादा रन भी किए थे कायम ट्रॉफी में, इसने कोई 600-700 रन किए थे 4-5 मैचों में, उसका चांस था साइड मैच खेलने का, उसमें भी इसको रन आउट करवा दिया गया, तो उसमें रन आउट करवा दिया गया। तो उसमें मसला ये होता था कि एक मुझे अफसोस की बात ये है कि एक टीम से एक बंदा ओपन कर रहा है वो 600-700 रन कर रहा है, दूसरा 300-400 कर रहा है, और 300-400 वाला खेल रहा है, और अभी तक मैं फिर हम लोग क्रिकेट से खैर अलग हो गए, मैं मेडिकल प्रोफेशन में चला गया, वहां जो भी मैं एक्सेल कर सकता था मैंने किया, अब भी मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट का वही हाल है। अभी जो मैंने अभी ये कुछ मैंने देखा है बच्चों की क्रिकेट में सिलेक्शन में जो ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसका भी वही हाल है जहां से हमने क्रिकेट छोड़ी थी, जिस तरह थी कि 400 बंदा आता है, दो दो तीन तीन बॉलिंग खेलते हैं और उसमें वो मर्जी की टीम सेलेक्ट हो जाती है, एक क्लब के बंदे आते हैं उन्होंने अपने क्लब का कलर पहना होता है, उसी की किट पहनी होती है, और जब टीम अनाउंस होता है पता चल जाए कौन सा क्लब का है, और उसी की फिर 16 में से 11 लड़के उसके एक क्लब के सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। ये जो तीन तीन बॉलें खिला के सिलेक्ट करना है प्रॉपर, आप अगर 10 दिन ट्रायल ले रहे हैं, आप 10 दिन मैचेस करा दें मुख्तलिफ सिटीज के आपस में और जो स्कोर करता है उसमें से रख दें, मगर वो अभी तक सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ नहीं आया है मुझे कि ट्रायलों में 3-4 बॉलों से क्या बैठ जाता है। मैं जब लाहौर के ट्रायल देखने के लिए गया तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने खैर बॉलिंग शॉलिंग की, तो कहते हैं यार तुम कल ना शाम को ना आना ट्रायल, नाराज हो गए पता नहीं क्या, कहते सुबह आना 10-11 बजे,
तो मैं देखा तो सुबह टीम सिलेक्ट हुई थी, सुबह प्रैक्टिस कर रही थी, कहते तुम इस टीम में हो, तुम खेल रहे हो तो तुम यहाँ प्रैक्टिस करो। मैंने कहा शाम को कहते हो मर्जी, जाना है जाओ, नहीं जाना ना। तो ट्रायल्स के तो ये हालात है कि मतलब ये जो होते हैं और बेचारे बच्चे उम्मीदें लगाए होते हैं कि हम पता नहीं दो चौके मार देंगे, दो शॉट हैं, आप सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन मोर मैचेस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। जेलम है, चकवाल है, पिंडी है, उसमें से जो लड़का परफॉर्म करे उसमें करे। अब 400 बंदा बुला के 3-3 बॉलिंग करा के और टीम अनाउंस कर दे, वो बच्चों के साथ जाती है। जी सलीम भाई, आपका व्यू क्या है, क्योंकि आपने 70s की जनरेशन भी देखी है, 80s की, 90s की। हाँ, मेरा भी ऐसे ही व्यू है कि एक्चुअली मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं जब भी अंडर 19 के ट्रायल्स पे जाता था तो मैं कभी सिलेक्ट नहीं होता था, आराम से गए बगैर सिलेक्ट हुए घर आ जाते थे। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो उस दफा मैं ट्रायल नहीं देने गया। तो मैंने कहा मैं सिलेक्ट नहीं होता, मैं मेरा दिमाग खराब है ट्रायल देना। जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ट्रायल हो रहे थे उस वक्त मैं नया नया सर्विस क्लब में गया, तो वो हमारे वहाँ पे मैनेजर थे यासीन साहब, उन्होंने मुझे देखा कि यार ये बंदा तो अपने पेंट शर्ट में खड़ा हुआ है, ये ट्रायल्स पे नहीं आया। तो वो मुझे बड़े नाराज हुए, यार तुम ट्रायल्स पे नहीं आए, तुम्हें आना था, ये है वो। मैं कहा यासीन साहब मैंने कौन सा सिलेक्ट होना होता है, मैंने क्या करना ट्रायल पे आके। कहते नहीं नहीं तुम जाओ अभी जाके किट लेके आओ घर से। मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड से घर गया मॉडल टाउन से अपनी किट लेके वापस आया, तो ट्रायल खत्म हो रहे थे, आखिरी एक दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। खैर मेरे पैड पैन के अंदर गया, दो बॉल खेले, ट्रायल खत्म हो गए, मैं चला गया, वो भी सारे घर चले गए। मैंने कहा यासीन साहब ने कहाँ से मुझे बुलाया, दो बॉल खिलाया और बस मुझे फारिग कर दिया। अगले दिन किसी ने मुझे बताया कि आप पंजाब के कप्तान हो। मैं तो मतलब पहले मेरे माइंड में नहीं था कि मैं ट्रायल दूंगा। जब मैंने ट्रायल भी दो बॉल खेले, मेरे को वो भी किसी ने नहीं देखा, वो बातें कर रहे थे सारे आपस में। तो आखिरी बैट्समैन थे शहर में, मैं एज ए बैट्समैन ट्रायल दिए, दो या तीन बॉल खेले, अगले दिन मैं कप्तान था। फिर उसमें बाद में कुछ रनर्स भी हो गए। तो ये है कि क्राइटेरिया वाकई नहीं सही, तो इसको थोड़े इम्प्रूव करने की जरूरत डेफिनेटली। अच्छा भाई यार, आपके ख्याल में ये नेपोटिज्म तब भी था 80s 90s में, और ये सीनियर प्लेयर्स इतने तगड़े थे कि एक लेयर ही लेयर्स ऑफ लेयर्स प्लेयर्स की खत्म हो जाती थी? हाँ, ये मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल हमसे भी पहले से ये चल रहा है। तो ये मतलब जो हमारे भी सीनियर्स थे तो वो हमें भी कुछ ऐसे ही बता रहे थे, तो ये तो चल रहा था शुरू से। तो लेकिन ये कि फिर बीच में बस लोग लकी होते हैं जिनको अच्छे मतलब मौके मिल गए, या बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड हो, जैसे जावेद भाई थे। तो जावेद मेहराज का मैं जरूर जिक्र करूंगा, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर थे। वो स्कूल से ही ब्लॉक मतलब वो ऐसे ही आए थे, और मतलब या तो बंदे इस तरह के आए कि बस हर चीज लपेट के दे जाए, फिर तो और बात है, वरना बहुत मुश्किल। नहीं भाई को लेके आऊं मार्केट में दोबारा। नहीं भाई, बैटिंग भी कमाल करते थे, क्योंकि बॉलिंग भी दोनों में मैं आपका पार्टनर था, या पार्टनरशिप हो या बॉलिंग कर रहे हो। ये दूसरा तो लोगों को सकलेन ने इन्वेंट किया, लेकिन आप भी उस जमाने में थोड़ा बहुत कर लेते थे, उसकी रुझान सुनाए, कहानी सुनाए। जी मेरे मतलब उनका भी एक्शन इलीगल था। नहीं, नहीं नहीं, मेरा कोई लीगल एक्शन नहीं था बिल्कुल। जो उस वक्त ना देखे, हम लोग जो बॉल करते थे, हमारे एम्पायर होते थे शकूर राणा, फिदर आत, अमानुल्लाह, खालिद अजीज वगैरह, तो वो उनकी आंखें बाया मकैने चाहिए, इनसे ज्यादा देर थी, एक मिनट में वो फेक कर देते, उनके सामने हमने 50-100 लीगल वगैरह कोई नहीं था। और आउट भी बहुत किए थे, अप्रिशिएट भी बहुत किया था, रमीज वगैरह जितने देखा था सबने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे। दूसरा ये था कि मैं अब लोगों को ये कहता हूँ कि पहले आप पहला तो करना सीखे ना, पहले आप ऑफ ब्रेक तो सीखे, आपका गेंद ऑफ ब्रेक होगा तो फिर सीधा गेंद का फायदा रहेगा, आपका गेंद ब्रेक ही नहीं हो रहा। अब मैंने देखा है कि ये बॉलर हमारे वक्त में हम सोचते ही नहीं थे कि यार गेंद बचानी है, हम कहते थे बैट्समैन हिट मारे के किस तरह मार सकता है, मतलब इतना हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस इतना बॉल में नहीं होता था जिसकी याद नहीं। और उस वक्त मतलब दूसरा ये था कि हमारा गेंद ब्रेक होता था, और मेरे ज्यादातर डिसमिसल मेरे सीधे बॉल पे होते थे, फ्लोटर्स पे होते थे, और जो मेरा गेंद बाहर निकलता था उस पे ज्यादा इंतजाम की। मैंने ईच इनिंग स्लिप पे आउट किया था उसको, अंडर 19 के जो पहला मैच था उसमें, और दोनों इसमें बाहर निकले थे। वो हम ओवर स्पिन करते थे बॉल को, हम लोग ये था कि लंबा ब्रेक होता था और जो गेंद सीधा रहता था वो बहुत डेंजरस होता था। जब इतना ज्यादा गेंद ब्रेक हो रहा हो उसके बाद जो गेंद सीधा रहे उसी बॉल का, अगर आप ओवर स्पिन करेंगे तो ओवर स्पिन से गेंद सीधा रहता था, हमारा ये नहीं होता था कि बिल्कुल उसके बाद वो थोड़ा सा दूसरा हो गया, फिर बिल्कुल ही लेग ब्रेक ही ऑफ स्पिन, लेग ब्रेक करने शुरू हो गया, फिर बिल्कुल ही लाटू चलने शुरू हो गया।
मगर ये है कि आपका एक्शन चेंज नहीं होता था, उसी तरह ही हम ऑपरेट करते थे और उसी बॉल को अगर आप ओवर स्पिन करते थे तो गेंद सीधा चला जाता था और उसमें सारी विकेट देती थी। और डेफिनेट मैं ऑफ स्पिनर्स को यही कहूंगा कि पहले ब्रेक तो करना सीखे। दूसरा, ये आजकल चोर बॉलिंग करते हैं, हमने चार ओवर निकाल लिए, लंबी क्रिकेट खेलते नहीं है, एक लेंथ पे गेंद नहीं कर सकते। अगर आपने 10 ओवर जिस तरह आप देखेंगे वो यंग लड़का उमर खान जितना है, चार ओवर बहुत अच्छा थे, जब 10 में हुआ तो एक्सपोज हो गई, तो 4-5-24 गेंदें निकालने वाले बॉलर नहीं होने चाहिए। लंबी क्रिकेट बच्चों को 13-16-19 में इनको 40-45 ओवर के मैच खिलाना चाहिए, ताकि 10 ओवर एक जगह करने सीखे हैं लेंथ पे और ब्रेक करना सीखे। नहीं भाई मुझे ये बताएं कि जो मुझे भी आपका एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली कि वो फ्लोटर और वो सीधा रहता था, आपका गेंद किक करके ऊंचा भी बहुत आता था, वो हाइट की वजह थी, शोल्डर की हाइट थी और मेरा एक हाई आर्म एक्शन था और मेरा शोल्डर के ऊपर बिल्कुल काम के पास से आता था। और ये मैंने ऐसे ही नहीं शुरू कर दिया था, एक्चुअली मैं बॉल कर रहा था, सर्विस हमारे एलसी में नेट लगता था, तो एक वो बूढ़ा सा बाबा आया और कहता है यार तुम इस तरह करो कि इधर ना यू करके बॉल करो। उसने मुझे 2-4 टिप्स दिए, एक्शन बताया, हाई आर्म एक्शन किया, ऊपर से लाया, ओवर द शोल्डर बॉल करो और सारा वो मैंने किया, तो एंटायरली बॉलिंग चेंज हो गई। हाइट मेरी ज्यादा थी, गेंद ब्रेक पर लंबा लंबा होना शुरू हो गया, रवीर राजा ही कहता था यार उसका गेंद सीधा पेट पे आगे लगता है। तो वो ये मैंने कहा ये कौन है बाबा यार, मुझे बता के गया, उधर दूर जाता है, तो किसी ने कहा ये खान मोहम्मद है। वो खान मोहम्मद था, दो चार ऐसी टिप्स बताई, इंटायरली चेंज हो गया। हमने 48-48 ओवर करते थे बस, और आपको नहीं भाई आपको बताने के बाद वो अतीकुर रहमान के पास गए थे। उनका एक्शन चेंज किया, मगर मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। आप देखें ना, हम जो ट्रायल्स की आप बात करते हैं, वसीम अकरम पहला मैच फर्स्ट क्लास खिलाया ही नहीं, ट्रायलों में जाते थे, सिलेक्ट ही नहीं होते थे और सीधा फर्स्ट पहला मैच ही साइड मैच खेले। डॉक्टर मेडिकल मेडिकल साइड पे आ गए आप जनाब, सबसे पहले तो मेरे भी ऑपरेशन किए हैं इन्होंने, आपने तो डॉक्टर यार आप इनको क्रेडिट देते हैं, हमें आप क्रेडिट नहीं देते। आप बोलते देखिए, मैं क्रेडिट बताऊं आपको क्या जाता है, जब आपके पास जाता हूं आपसे केस हल नहीं होता तो आप लिखते हो या नहीं दाच के पास चले जाओ। ओहो भाई ये लोग सच समझेंगे। अच्छा नहीं भाई ये बताओ, सर्जरी में तो आप आ गए, उसके बाद ये अपना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आपने शुरू की, और मैं ये समझता हूँ कि सीरिया हॉस्पिटल में सर्जिकल डिपार्टमेंट को रीवैल्यूएट करके रीअसेस करके काफी आगे पहुंचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह आपने, तो वो रिकॉर्ड क्या हुआ था, कितने के पट्टे निकला ऐसा एक बॉल ब्लैडर तो? मैं नुमान भाई, इसमें ये हुआ था कि मैं ना जब फाइनल ईयर में था तो मैंने, खैर इसमें ना मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाता हूँ कि मैंने ना ऑस्टियोप किया, तो पहले मैंने जाके अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि मेरा बेटा सर्जन बन गया, तो उसके कुछ अरसे बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद मैंने सारी चीजें छोड़ दी, मतलब क्रिकेट वगैरह और हर चीज छोड़ दी, और फिर मैं पूरा ना मैंने कहा सर्जन बन के दिखाना, हालांकि मेरी मदर कहती थी आज तो अस्पताल गए हैं कहाँ से सर्जन बन, उसके बाद मैंने काफी मेहनत की उसमें सर्जरी में, और इस वक्त मैं अल्लाह का शुक्र है मैं ग्रेड 20 में हूँ, कंसल्टेंट सर्जन हूँ, डीन हूँ मैं कैपिटल हॉस्पिटल में। दो दफा मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। एक दफा मैंने 5,568 स्टोन्स गॉलब्लैडर से निकाले, 5,500 यार गॉलब्लैडर इतना सा होता है, उसमें 5,568 स्टोन्स कहां से पड़े हुए थे, ये इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड। और डक्ट ब्लॉक क्यों नहीं हुई, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों नहीं हुआ, और क्योंकि पैनक्रियाटिक है, क्योंकि वो गॉलब्लैडर में थे ना, गॉलब्लैडर से स्लिप होते तो डक्ट ब्लॉक होती है, तो वो 5,568 स्टोन निकाले। फिर मैंने वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गॉलब्लैडर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट इंसिजन निकाला, नॉर्मल गॉलब्लैडर 5 सेंटीमीटर जिसमें आप कह रहे हैं, तो वो 25.5 सेंटीमीटर का गॉलब्लैडर था जो मैंने 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से निकाला, वो इंडियन डॉक्टर था उसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो दो दफा मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एक दफा नहीं दो दफा, मेरा वाइस सर्जन हो पूरे दुनिया में जिसका दो दफा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, और वाइस फर्स्ट क्लास प्लस सर्जन जिसने अल्लाह की वजह से है। फिर वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमन मैंने 109 ईयर्स ओल्ड मैंने ऑपरेट की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, फिर मैंने वर्ल्ड यंगेस्ट बॉय मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सीख लिया 2 ईयर्स में, और फिर उसके बाद इस तरह चलता रहा, फिर काफी सारे मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराए। लेकिन सलीम भाई आपको नहीं दिखाने आते। राशिद लतीफ
मेरी क्रिकेट के खिलाफ, मेरी मेडिसिन के खिलाफ, और इसके साथ नहीं भाई ये देखिए मजाक अपनी जगह लेकिन डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में नंबर वन है, ये मानने की बात है। मेरा जो फेवरेट फिजिशियन है ना, सही बता रहे हो, वो भी नहीं कह रहा, हर एक को कहता हूँ फेवरेट फिजिशियन मेरा ना नुमान है। आप कभी इसकी प्रिस्क्रिप्शन देखें, पूरा इसने इतना ज्यादा डिटेल में लिखा होता है। मेरा एनेस्थेटिस्ट भी कहता है यार ये कौन है बंदा यार, बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव डॉक्टर देखता नहीं है। नहीं भाई बहुत एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव दवाई खाने तो वैसे ही सही हो जाता है बंदा। नहीं, ये तो बड़ा थॉरली देखता है। इसके साथ भी वही इसी तरह ही होती है, जिस तरह आपके जो प्लेयर्स है बड़ा मैक्सिमम स्कोर करके और सीनियर्स किसी तरह रोक लेते हैं, इसको भी मुख्तलिफ जगह पे रोका गया। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस जब हमारा कर्व जो है वो ऊपर जा रहा है, और अगर हम अपना मोर्टेलिटी रेट देखें, रेसिप्रोकेट करें कि जो नंबर ऑफ टेस्ट डन है, नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज, और फिर हमें ये भी पता है कि 30% फॉल नेगेटिव भी है, जब तक आप ब्रोंकोट्रेकियल वो उसमें स्क्रीशन ना लें, कईयों में पॉजिटिव भी नहीं आता, सिर्फ DIC के एलिमेंट आते हैं, तो मुझे ये बताएं हम ये सॉफ्ट तो करें लॉकडाउन तो आगे क्या बुछाड़ आने वाली है या कोई अल्लाह बेहतर करेगा? नहीं अभी पीक आने वाली है, ऊपर जा रहा है, हैं बहुत ऊपर जा रहा है, पीक आपकी पीक 15 मई के बाद बहुत ज्यादा पीक आएगी, 15 मई से अब 31 मई तक आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगा और बहुत ज्यादा फैलेगा, और बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए और बिल्कुल इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। बेताशा डॉक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, हर एक अपना ख्याल रखना चाहिए, मगर ये है कि ये बहुत अभी डेंजरस सिचुएशन में है, और अभी हमें तो बिल्कुल लाइटली अगर लेंगे तो फिर ये बैकफायर करेगा, और लाजिम बात नहीं है। नहीं यार ये हम नहीं, मैम ये जनरल परसेप्शन कैसे चेंज करें? एक तो वो जो लोग नहीं जो मेरे पर डायबिटिक आते हैं वो कहते हैं नहीं ओदी लत कटी सी मेरी नहीं कटी जाएगी, यही है कि यार हमें कोरोना नहीं होगा बाकियों को हो रहा है तो वी आर नॉट बॉदर्ड, तो ये परसेप्शन कैसे चेंज करें, ये मेंटालिटी कैसे चेंज करें? ईद की शॉपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ यार। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो एक पेशेंट को कहा है, मैं कहा जी ईद की शॉपिंग करने जाना तो सफेद लट्ठे का सूट बना लेना, दोनों जगह काम आ जाएगा। कुछ और कर रहे हैं इसकी वजह से है, बहुत ज्यादा हमारे अपने डॉक्टर्स इतने डेथ हो रही है डॉक्टर्स की, अभी तक मतलब कोई 355 डॉक्टर्स इससे सफर कर चुके, और इंग्लैंड में यूके में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर 150 जिसके डेथ हो चुकी है। अभी बेचारी एक लड़की, इसने मेरा हमारे पास हाउस जॉब शुरू करनी थी, दो दिन पहले हाउस जॉब से पहले उसकी डेथ हो गई। देखिए कितनी मुश्किल से एक बंदा डॉक्टर बनता है, दाखिला मिलता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, लोग इसको गलत कर रहे हैं, फिर हाइड कर रहे हैं अपने सिम्टम्स को, फिर बता नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको बड़ा खतरनाक चीज है, अल्लाह सबको। जी सलीम भाई आप आजकल कैसा ले रहे हैं, घर में ही है, लॉकडाउन है, कैसा आप इसको कैसा ले रहे हैं कोरोना वायरस पोस्ट कोविड और अभी जो कोविड हो रहा है? डॉक्टर साहब इसको बिल्कुल मैं सीरियस ले रहा हूँ और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ऑफिस में हमारा ये है कि हम अल्टरनेट डेज पे जा रहे हैं या ऑफिस जाना पड़ता है ऑफिस में थोड़ा सा, और मैंने आज ही अपना टेस्ट भी करवाया कोरोना वायरस का, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव, तो ये भी एक अच्छी थी। बाकी मैं इसको बिल्कुल बहुत सीरियस चीज है डॉक्टर, इसमें तो दूसरी राय नहीं। जी राशिद भाई इतना सीरियस ले रहे थे तो ये प्रोग्राम में भी नहीं आ रहे थे, पता है आपको, वीडियो लिंक के थ्रू भी नहीं आ रहे थे। इनका ख्याल था कि डॉक्टर का पीपी खराब हो गया। लेकिन डॉग यार मैं आज बहुत इंप्रेस हूँ आपसे ना, बहुत ज्यादा कि आपने मतलब आप दोनों से भाई बहुत डरा हुआ। नहीं भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम अपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन डॉग मगर कोरोना की वजह मैं आप लोगों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है कि आप यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई वीडियो आए थी उसको हम देख लेते हैं, अच्छा वक्त गुजर जाता है, तो ये बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं लोगों के साथ। अच्छा नहीं भाई आपने कोई सवाल पूछना हो तो प्लीज हम हाजिर हैं दोनों। हाँ यार एक सवाल आप लोगों से, मेरा बड़ा दिल करता है किसी दिन मैं आप लोगों का इंटरव्यू करूँ डॉक्टर का। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में वही प्लेयर सबसे अच्छा क्यों होता है जो सिलेक्ट नहीं होता? कभी तो यार कोई कई सही टीम सिलेक्ट हुई होगी ना, जब भी टीम सिलेक्ट होती है कहते हैं वो सबसे अच्छा था उसको नहीं रखा, इसकी क्या वजह? ये मीडिया की जो मर्जी टीम अनाउंस कर ले, जो मर्जी टीम आ जाए, जो मर्जी सिलेक्टर आ जाए, खबर ना जो बाहर होता है उससे मिलती है, खबर उससे नहीं मिलती जो सिलेक्ट हो गया।
होता है कि मैं बचपन में अखबार वतन या अखबार पढ़ते थे तो यार एक प्लेयर की तारीफ लिखी हुई है, ड्रॉप हो गया कोई भी था, ये शुरू अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, वो सिलेक्ट हो गया तो उसकी बुराई शुरू हो गई, तो वहां से मैंने पकड़ लिया था। जब भी मैं मीडिया में आया मैं पहले ही सीख गया था क्या करना है। और डॉक्टर का तो लगता है कि ये तो बॉर्न मीडिया के इंसान है, उनको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, इनको पता है कौन सा प्लेयर जो नहीं है वो ब्रेडमैन है, जो है वो राष्ट्रपति है। वो ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। दूसरा आपकी मामू लाल से कोई दुश्मनी तो नहीं है यार? हाँ डॉग, ये मैं डॉक्टर बोलता हूँ यार, ये देख उससे बहुत बेहतर टैलेंट इग्नोर हुआ और उनको खिलाया गया, ठीक है कि वो परफॉर्म करके आया और परफॉर्म उससे कायद आजम ट्रॉफी में किया, वो खिला हमने व्हाइट बॉल में दिया, उसके बाद उसकी 7 सेंचुरी है, 55 की एवरेज है, nobody can wrong the numbers, लेकिन वो किस किस्म के कितने impact की centuries हैं, तो आप वो देखें ना लड़के जो miss out कर गए उस दौरान, आप आबिद अली को देखो कितना late हो गया और वो white ball में अभी तक भी establish नहीं हो पाया, तो ये मेरी आबिद भी मेरे पुप्पो का बेटा नहीं है और बल्कि इमाम से तो ताल्लुक भी बनता है इंजरी की वजह से, तो personalized कोई comment नहीं होता, ये राशिद भाई क्या करते हैं मुझे आगे कर देते हैं और उसके बाद हवा देते हैं। आप ओपन करने गए 4.5 की एवरेज थी, जब आप आउट होते अब देखे ना 6.9 की एवरेज होती है, सेकंड हाईएस्ट उसने 1000 रन फास्टेस्ट कंप्लीट किए, बेशक इस मर्जी के खिलाफ किए, मतलब उसने किए था ना यार, थोड़ा सा मार्जिन तो दिया करें थोड़ा सा। अब आप कह देंगे कि फखर जमान को भी खिला दें आप? और ये डॉक्टर मुझे लगता है ये होस्ट भी बन सकते हैं अच्छे। बहुत आप लोगों के मैं किसी दिन इंटरव्यू करना चाहता हूँ आप दोनों के, बहुत सारे सवाल इकट्ठे करता रहता हूँ, अच्छा तो प्रोग्राम होता है। मुझे ये अच्छी बात लगती है कि आप किसी एजेंडा पे काम नहीं करते, ये नहीं होता कि आज आपने एक प्रोग्राम देख के लग रहा होता है यार इस प्लेयर के लिए प्रोग्राम हो रहा है, ये जो वो ये, आप लोग फिल बदी प्रोग्राम करते हैं, ये ग्रीन शर्ट में जो बैठा हुआ है ना ये डॉक्टर, एजेंडा लगता है मुझे कोई। ओ भाई कोई एजेंडा नहीं होता भाई, मेरे पीछे पड़ गए यार। थैंक यू यार, आज मैं कम बोला, आज डॉग मैं आज कम बोला, दो पढ़े लिखे डॉक्टर और एक मायना क्रिकेटर थे, तो डॉक्टर के बीच में बोलना बहुत मुश्किल है, और दोनों अपनी फील्ड के नंबर वन कह सकते हैं, नंबर टू नहीं, दोनों अपनी फील्ड के नंबर वन है। आप वेबसाइट पे जाएं, कहीं जाएं, डॉक्टर नईम ताज का देखें और डॉक्टर नोमान का देखें, तो ये क्रिकेट की बात आए ना, मेडिकल लिखे इसमें डॉक्टर के लेक्चर सुने, तो ये पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स हैं, और मुझे फख्र है कि सोहबत जो मेरी है यहाँ इस्लामाबाद में ऐसे पढ़े लिखे लोगों में, कराची में भी पढ़े लिखे उस्ताद था, लेकिन आपकी सोहबत बहुत कुछ सिखाती है, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। सलीम भाई तो हमारे बॉस हैं, लेकिन नईम ताज और डॉक्टर नोमान बहुत मजा आता है, ये तो कैमरे के अलावा जो बातें होती हैं हमारी वो अलग है, बहुत सारा सीखने को मिलता है हर चीज में, हर फील्ड में। डॉक्टर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आखिरी प्रोग्राम किया है। बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं वैसे ही लगा मेरा आज आखिरी प्रोग्राम। थैंक यू राजेश, बहुत बड़ा मजा अच्छा लगा, बहुत मजा आपके साथ फ्रैंकनेस है यार, आपके फ्रैंकनेस से इतनी थोड़ी लिबर्टी ले लेते। और सलीम भाई अपना आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें, एंड मैं बल्कि ओपनली कहूंगा कि मैंने आपको देख के क्रिकेट की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ था, और मैं पिंडी क्लब ग्राउंड में जाके देखता था, वो अजमत जलील होते थे, इमरान जमीर होते थे, बुलंद इकबाल होते थे, और आप होते थे, और आपका मुझे वो हेडबैंड याद है, और एक विल्स कप के मैच में भी आपका हेडबैंड याद है, उसमें भी आपने हुक बड़ा अच्छा किया था, तो वो जो होता ना कि आपकी फेडिंग मेमोरीज अट्रैक्टिव हो जाती है और आप तो परसू करते हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच, अपराइट मैन। और आपने वो ठीक है कि 1984 का नहीं बताया, मैं खुद पूछूंगा, ठीक है शुएब भाई से खुद पूछना पड़ेगा, लेकिन शुएब भाई को फोन करके मुसीबत ये पड़ जाती है कि 1:35 होने चाहिए आपके पास, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
बैंड।